राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सम्मानित शिक्षकों में 8 प्राथमिक माध्यमिक और 6 उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के 54 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस जैन कंसोटिया, लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता, स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल भी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली और पिछले 9 से 10 महीनों में हमने यह प्रयास किया है चलती हुई शिक्षा व्यवस्था को बगैर कोई छेड़छाड़ किए बेहतर परिणाम व्यवस्था, बेहतर संसाधन और बेहतर परिवेश देने का प्रयास किया। बच्चों की परफॉर्मेंस श्रेष्ठतम करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो हमने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, ये 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लाड़ मेकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उनने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्वगुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु, गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहां से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती। गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामय आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक मधु प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ।